हमारा था हैमिल्टनगंज आज थोड़ा बाजार घूमने के लिए, पता नहीं यहाँ पे क्या इतना भीड़ हो गया है, कुछ लफड़ा शायद हुआ है, कुछ इंजरीज वगैरह हुआ है होगा, इतना भीड़ इसीलिए जमा हुआ है यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे इतना भीड़ तो लगता नहीं है, फिर लगने का कोई रीजन नहीं बनता है क्यों हुआ है इतना भीड़ यहाँ पे। आगे जा करके कुछ तो सुराग मिलेगा। अरे यार यहाँ पे मैं गलती में घुसा दिया, इधर में शायद मैं भी रॉन्ग रास्ता में घुसा दिया, इसलिए यहाँ से जा नहीं पा रहा है। चलो धीरे धीरे चलो, कुछ हुआ नहीं है, मुझे लगा था कि कुछ हुआ है बट लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। मेरा इरादा यहाँ पे जाम करने का नहीं था, मैं जस्ट देखने के लिए आया था, शायद कुछ हुआ है ऐसा लग रहा था, हुआ नहीं है कुछ भी, लग नहीं रहा है कुछ हुआ है, बट इतना जाम क्यों यार, गाड़ी यहाँ से आ रहा है, देखेंगे आगे जाके। ये लोग कहाँ जा रहे हैं यार, चलो अरे यार बहुत दूर जाम हो चुका है, शायद हैमिल्टन मार्केट तक पूरा जाम हो चुका है, तो ये रास्ता बंद था शायद ना क्या पता नहीं, पर यहाँ पे एक सिविक वॉलंटियर होना चाहिए संडे का दिन में खासकर। ओह गॉड, ये भी गिरने वाला है क्या, चल भाई निकल ले, आगे जाके लेफ्ट ले लेंगे यार, सीधा जाएंगे नहीं, शायद पूरा जाम हो चुका है, बट इतना जाम देख करके हालत का, आज संडे है ना इसलिए शायद इतना जाम है। चलो भाई यहाँ से निकलने के लिए एक घंटा लग जाएगा अभी मुझे, साइड से रहते हैं देखते हैं, और कुछ हुआ है शायद यहाँ पे, शायद एग्जाम था, शायद कुछ एग्जाम था होगा इसीलिए यहाँ पे। वो क्या हो रहा है वहाँ पे अभी यार, बट इतना भीड़ तो होना नहीं होना चाहिए ना एग्जाम होने से, अभी यार लग गया। थोड़ा आगे कर दो भाई, लग रहा है पीछे, थोड़ा आगे कर दो, लग रहा है घुसाएगा ना, देखा है पुलिस गाड़ी है। पुलिस गाड़ी का त्यौहार ऐसे ही रहता है, लग रहा है, लग तो नहीं रहा था कि 18 साल हुआ है जो बच्चा ड्राइव कर रहा है, और त्यौहार देखो यार आगे गाड़ी खड़ा हुआ है, एटलीस्ट वो गाड़ी का पीछे ही कर लेता यार, इतना भीड़ होने का रीजन ही नहीं बनता यार। यार ये रास्ता में जाके तो शायद मेरा माथा ख़राब ना करूँ मैं। और चलो यहाँ तक ही भीड़ है यार, यहाँ से निकल लेंगे आराम से भाई, यहाँ से शुरुआत है देखो, अब यहाँ से लग चुका है ये सभी आपको जैवी मार्केट, यहाँ से मिल रहा है सर, छोटा बच्चे के लिए भी जो चीज़ हो यार बढ़ चुका है, इधर भी पहले ऐसा नहीं था यहाँ पर, बट हाल ही में देखो कितना कलेक्शन है भाई। ठंड में अगर किसी को चाहिए तो आप जैवी मार्केट यहाँ से उठा सकते हो, देखो जैकेट वगैरह देखो यार कितना लाजवाब लाजवाब है, देखो ये देखो और प्लास्टिक में लगा हुआ है, देखो भाई इधर भी देखो क्या है भाई, ये कपड़े वगैरह देखो सब कुछ है देखो भाई सब, ये कपड़े वगैरह कहाँ से लाते हैं आप लोग, दिल्ली से, दिल्ली से देखो भाई सभी एब्रॉड से शायद है ये सब शायद, और दिल्ली से आप लोग दिल्ली से लाते हो, मतलब एयरफोर्स का जो ऑक्शन वगैरह हो जाता है वहाँ से लाते हो ना, कंटेनर आता है विदेश से आता है, हाँ कभी कभार कंटेनर में आता है, कभी पोर्ट में आता है, कभी कभार तो ये लोग कस्टम क्लियर नहीं होता है ना, सभी कस्टम का कपड़ा है भाई ये सब, सब जीएसटी भी वाला, हाँ जी हाँ वो तो सही है, कस्टम का कपड़ा है देखो यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे कस्टम का आया हुआ है ये देखो भाई, बट ये सभी यूज है वन टाइम यूजेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपको अगर ब्लेजर वगैरह चाहिए तो ब्लेजर भी आपको मिल जाएगा भाई यहाँ पे, ये भाई ये देखो कलर बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे स्पोर्ट लगा हुआ है, ये देखो हर ब्रांड का आपको मिल जाएगा, इधर भी देखो भाई मतलब आप यहाँ पे देख के ना कभी दुकान में जाओगे तो आपका आँख यहीं पर आएगा, दुकान पर जाने का मन नहीं करेगा कि ये सब तो कलेक्शन है आपका दुकान में मिलेगा नहीं, देखो भाई यहाँ पे इस साइड है और यहाँ पे भी है भाई, आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बस ये भी घूम लो, आज ये भी हैमिल्टन में इतना लगता नहीं था, शायद एक दो साल से लगा भाई, देखो लगता नहीं कि कोई दुकान का ही जैसा लगता है, ये देखो कोई दुकान से लाया जैसा ही लगता है, वाह। और देखो भाई पूरा भंडार लग चुका है इधर में, पेंट भी आपको मिल जाएगा ये देखो, ये देखो देख भाई
पेंट वगैरह कलेक्शन है यहाँ पे, आ जा गया। नहीं देख रहे हैं भैया, नहीं भतीजे वही बोल रहा हूँ। आप कहाँ की हो? जयगाँव से? ओ आप जयगाँव से लाए हो, तो मंगलावाड़ी में लगाते हो आप लोग? हाँ, तो ये चीज़ मंगलावाड़ी में मिलता है यार, मंगलावाड़ी में। सभी मंगलावाड़ी से है? आप लोग सिर्फ? वो लोग कहाँ जाए? जयगाँव से है ना, जयगाँव में यार हमेशा हमेशा मंगलावाड़ी का वहाँ पे लगा रहता है ना। हाँ, तो हमेशा डेली आप जयगाँव पे मिल जाएगा, बट नहीं मिलने से आपको हेमिल्टन अजयर मिल जाएगा। देख लो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है SPK ब्लॉक, SPK ब्लॉक, SPK। हाँ तो देखो भाई, हाँ यहाँ पे भी है, सारा सामान आपको मिल जाएगा। यार बोल रहे कि जयगाँव में भी परमानेंट है, अगर चाहो तो आप जयगाँव से ले सकते हो। हाँ जयगाँव मार्केट सब मंगलापाड़ी वाला आ गया ना इधर में, सभी यहाँ पे इसीलिए तो खाली रहता था, अभी लगता है कि बहुत ज्यादा भर गया यहाँ पे, पूरा भरा हुआ है ना, सभी जयगाँव का। तो देखिए यार जो सामान आपको चाहिए ये सब मिल जाएगा। आप जयगाँव चाहिए तो जयगाँव में देखो, ये ट्रक पे ये ट्रक वगैरह नहीं लगता है तो यूजेस, देखो भाई ट्रक वगैरह आप देख सकते हो। अब आगे आ जाओ, आगे भी देखो पूरा कूट कूट के भरा हुआ है। और ये देखो भाई, थोड़ा थोड़ा स्पॉट आपको मिल जाएगा यहाँ पर, बट जो भी बोलो विंटर लाइनर वगैरह सर्दी में पहनने के लिए आपको यहाँ पर सब कुछ मिल सकता है। ये देख भाई भर के बड़ा हुआ, लोगों का भी भीड़ देखो, काफ़ी लोग आ रहे हैं, लगता है कि कोई एक लेके चले जाएंगे यहाँ। अगर विंटर लाइनर मिल गया ना तो ज़रूर एक लेके जाएंगे भाई। देखो 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 कितना भीड़ है यहाँ पे, है ना। हाँ देखते रहो, ख़त्म भी नहीं हो रहा, शायद आज यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये देखो अंकल कितना करके ये सब जैकेट अलग अलग, नहीं फिर भी ये रेड वाला ये 500 का है। देखो भाई 500 रुपया में जैकेट, ब्रांडेड जैकेट आ रहा है। अगर सभी कस्टम स्टॉक मिलेगा भाई आपको, एब्रॉड से कंटेनर में आया हुआ, शायद ऑक्शन में आया था ये सब लाट एक ही बार में, शायद ऑक्शंस का सिर्फ एक ही बार में। देखो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी है, पहले इतना हुआ नहीं करता था यहाँ पे, पूरा भर गया अभी, कौन किसका लेगा। देखो अंकल अभी जगह से जाएगा। देखो यार सुपर मार्केट साला खाली हो गया होगा उधर, सुपर मार्केट का आधा आदमी इधर आ गया। तो देखो यार जो जगहों में मिलता था आज हिमिल्टन में मिलता है संडे का दिन में। देख हाँ दिखाइए, देखो बड़े बड़े कलेक्शन मिल जाएगा यार। देखो अगर यहाँ पे हिमिल्टन का मिस कर रहे हो तो जगह जाके कलेक्शन ना आपको मिल जाएगा। तो देखो बस सर देख के मजे करो यार, ऊपर नीचे हर जगह में। ये सेक्शन जो था सभी जेबी सेक्शन था, जयगाँव का जो सुपर मार्केट जयगाँव पे जो मंगलाबाड़ी सुपर मार्केट, ये संडे पे यहाँ पे मार्केट करते हैं, पहले नहीं करता था, आजकल देखो भर गया है। कम से कम ये जो मार्केट है मतलब इन लोग का कम से कम 20-25 तो हो ही जाएगा, 20-25 से 50 दुकान जैसे अलग लगा चुका है यहाँ पे, इसलिए अभी भर चुका है। वहाँ पूरा गदगद लग रहा था, अभी हम थोड़ा इस तरफ आ गए हैं थोड़ा सा, अभी हम जाएंगे थोड़ा और बाजार देखेंगे। यहाँ पे जितना भी आपको मार्केट दिख रहा है, ये छोटा छोटा शॉप दिख रहा है, ये सिर्फ संडे का दिन ही लगता है, ये सिर्फ संडे का दिन में लगता है, दूसरा डे में आपको नहीं दिखेगा। उस मार्केट डे संडे होता है यहाँ का मेन, उसी दिन लगता है। वो था जेबी मार्केट, और यहाँ पे जो है ये संडे का लगता है, वो यहाँ पे फुटपाथ में जो मिल जाता है वो सारा मिल जाएगा। कुछ दुकान से जो आता है, खुद का पर्टिकुलर दुकान रहता है, वो लोग अलग से यहाँ पे दुकान लगाते हैं, क्योंकि लोकल से है, क्योंकि बाहर से शायद होगा। तो आज मैं आप लोगों को घुमा रहा हूँ हैमिल्टनगंज। मैंने आपको बता दिया हैमिल्टनगंज सभी लोगों के लिए, यहाँ का कल्चरल ब्लॉक के लोगों के लिए बहुत सा बड़ा मेले का जैसा है। संडे का दिन में हर दूर दूर से यहाँ पे मार्केट करने के लिए आ जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को आज का ये मार्केट दिखाऊँ। देखो यहाँ पे भी थोड़ा घूमेंगे। देखो है ना, यहाँ पे भी आपको सारा, ये तो है ही, ये तो डेली मार्केट का है, मतलब संडे मार्केट का है ये। देखो भाई शॉपिंग चल रहा है लोगों का। यहाँ पे कालचीनी ब्लॉक का जितना भी बगान होता है
कम से कम 15 ठो, 15 जैसे बगान होगा, 15 ठो में 7 बगान। सैटरडे में सिर्फ यहाँ पे पेमेंट होता है, आफ्टर पेमेंट ये लोग संडे को यहाँ पे बाज़ार करने के लिए आ जाते हैं। उन्हीं के साथ में आजकल जो आप देख रहे हो कि बस्ती का जो होता है मिंदाबड़ी पंचायत के अंदर में या फिर गाड़ोपाड़ा पंचायत के अंदर में, ये सब यहाँ पे मार्केटिंग के लिए आते हैं। और देखो देखो भाई नहीं चल रहा है, गुस्सा हो गया सा है। तो ये संडे लगने वाला बाजार है, अभी चलते हैं फिक्स बाजार पे, फिक्स मार्केट में चलते हैं। और अभी जो बाजार लगता है यहाँ पे लगता है, और आधा बाजार सब्जी बाजार उस और लगता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखो कितना एंजॉय करते हैं। और यहाँ का लोग क्या है, ज़्यादातर बगान का लोग है और बस्ती का लोग है। तो बगान का और बस्ती का लोग मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये लोग सिटी में जा कर के शॉपिंग करने के लिए इतना पैसा भी नहीं रहता या फिर किसी का समय भी नहीं रहता है, और अच्छा भी नहीं लगता है इन लोगों को, क्योंकि सिटी यहाँ से बहुत ही दूर पड़ता है, कम से कम 25-30 किलोमीटर पड़ता है। तो इससे लोग, इन लोग को पसंद है कि मार्केट में आओ और बार्गेनिंग करो, बार्गेनिंग करके कम दाम में मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आते हैं हर संडे और मार्केट करके ले जा, मतलब शॉपिंग करके ले जाते हैं यहाँ से क्रिसमस के लिए। यहाँ पे क्रिसमस शॉपिंग चल रहा है, स्टार बज रहा है, देखो पूरा भीड़ लगा हुआ है, इधर पे भी है। और यहाँ पे देख यार भीड़। और यहाँ का क्या है, 2-3 दुकान है, मैं आपको बता दूँ। शॉप यहाँ पे पोशाकी का एक का खुद का यहाँ पे मिनी मॉल भी मिल जाता है खुद का। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है कपड़ों के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। वैसे तो यहाँ पे डेली ये दुकान वगैरह खुला रहता है, फिर भी संडे ज़्यादा मिलता है यहाँ पे लोग, क्योंकि बाजार का दिन में ना शॉपिंग करने के लिए अच्छा लगता है लोगों को, और आ जाते हैं। मैंने आपको एक दुकान दिखाया, दो दुकान दिखाया, एक तो पूजा स्टोर और एक पोशाक की। अब तीसरा दुकान मैं आपको दिखा रहा हूँ, दीपक शॉपिंग सेंटर। आप यहाँ से भी अच्छा शॉपिंग कर सकते हैं, आपको ब्रांडेड कपड़ा वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, दीपक शॉपिंग सेंटर। ये रहा वो दीपक शॉपिंग सेंटर, अब जब मिल्टन आओगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, हर तरह का कपड़ा आपको मिल जाएगा, सभी पहनने के लायक, सोने के लायक, जो भी चाहिए आपको यहाँ से मिल जाता है, सुई धागा सब कुछ मिलेगा। वैसे ये पे हर डे खुला रहता है, बट हफ्ता में 7 दिन होता है, 7 दिन में 1 दिन बंद रहता है, बंद का दिन हुआ थर्सडे को बंद रहता है, और फ्राइडे से लेकर के वेडनेसडे तक ये बराबर खुला रहता है, बट जब पूजा सीजन आता है तो हफ्ता भर खुला रहता है, 1 दिन भी बंद नहीं रहता है। आइए भाई घूमते हैं अभी मार्केट, यहाँ का सब्जी मार्केट जाएंगे। देखो सब्जी मार्केट की ओर तो और भी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर। यहाँ पर फूलों का बहुत अच्छा आ रहा है, ज़्यादातर लोग यहाँ पर फूलों का शौकीन रखते हैं। अभी अंधेरा अंधेरा दिखेगा, देखो फ्लावर्स। और देखो इस तरफ भी यहाँ पे दुकान मिल जाता है, झोला वोला पूरा टंगा रहता है, बाजार घुसो और यहाँ से जो चाहो खरीद के ले जाओ। यहाँ पे ज़्यादातर कोई सिटी का लोग नहीं मिलता है भाई, यहाँ पर ज़्यादातर विलेज का मिलेगा, गांव का मिलता है, और एक मिलता है कहाँ का, बगान का। सबसे ज़्यादा यहाँ पर बगान का लोग मिलता है, जितना भी दिख रहा है वहाँ से 90% लोग आपको बगान का दिख जाएगा। और यहाँ पे मैं बताता था ना, अभी क्रिसमस का सीज़न है, यहाँ पे क्रिसमस रिंग और ये सब आ चुका है। वाह, अब यहाँ पे शॉपिंग करके ले जा सकती हो। ये बड़ा सा स्टार कितना लगा हुआ है देख, यहाँ पे देखो शंख वगैरह देखा। तो ये मार्केट में आपको पूरा, मैं मार्केट नहीं घुमा सकता भाई, ये मार्केट अगर घुमाऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा आप लोगों को मार्केट घुमाने के लिए। और यहाँ पे फल वल लगा हुआ है, सब्जी डेली सब्जी उधर है, और इस तरह का भी यहाँ पे दुकान लगता है देखो। और देखो प्लास्टिक का सामान, ये देखो मुझे ऐसा बिकता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो झाड़ू उड़ू यहाँ पे भी मिलता है भाई, स्टार लगा हुआ है, क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है नीचे। अरे हे हे यार ऐसा बीच में आ जाता प्रॉब्लम आ जाता है। अभी हम घूम रहे हैं हैमिल्टन बाज़ार, यहाँ पे डेली मार्केट नहीं होता है, सिर्फ हफ्ते में एक बार मार्केट होता है, वो संडे में। डेली जो था मैं आपको वहाँ पे जो जितना भी स्टेबल दुकान है वहाँ पे होता है, बट अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा स्पेशल जगह में, जहाँ पे आप लोग को भी देख के मज़ा आएगा, जहाँ पे मासू मिलता है ना वहाँ पे जाएंगे अभी। अभी यार ये ढक्की उक्के भी यहाँ पे मिल जाता है, देखो शायद ये लोग उधर से वो साइड से ही लाते हैं। और यहाँ पे मछली उछली सूप वूप मिल जाता है देखो, यहाँ पे भी है। हाँ हाँ इधर मछली आ गया यार, कहाँ पे
तो मछली का दुकान है, तो यहाँ पे ही मछली का दुकान लगने लगा है। पहले इधर बिकता नहीं था। हम सीधा चलेंगे कि जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये देखो मछली उछली, ताज़ा ताज़ा मछली तो नहीं कहूँगा, बर्फ़ का मछली मिल जाता है। देखो काट रहा है, सारा देसी मुर्गी यहाँ पे है भाई, देसी है सभी। अबे देखो यहाँ पे प्योर देसी मिलेगा आपको, यहाँ पे प्योर देसी हैमिल्टनगंज। घूमने आए हैं हैमिल्टन बाज़ार, और हैमिल्टन बाज़ार से आज क्या मिलेगा ये देखेंगे। थोड़ा शॉपिंग करने के लिए आए, मैं तो करूँगा नहीं, ये भतीजा आज शॉपिंग करने वाला है। तो चलते हैं अभी शॉपिंग करने के लिए, क्या मिलता है और कौन से स्टोर में घुसेंगे ये देखेंगे। तो हम आ गए हैं फिर से यहाँ पे, हमें जाना है यहाँ पे, यहाँ पे चलते हैं। तो ये देख भाई, अगर हैमिल्टन आ रहे हो तो यहाँ से ये जरूर यहाँ पे विजिट करो, अच्छा कपड़ा मिल जाएगा, बढ़िया है। इनका एड्रेस पूरा यहाँ पे, ये देख लो। अरे ये है सब कुछ, आना और पैसा मत देना, यहाँ का सारा सामान उठा के ले जाना, उठा के ले जाना। हो गया आज का बाजार हम लोग का, काफ़ी घूमा आज, घूमते घूमते थक गए हैं थोड़ा, अभी वापस जा रहे हैं। बाजार का रोड लग चुका है, सारे जगह से आया हुआ है लोग। चलो तो निकलते हैं, टाटा बाय बाय। मैं तो लिया नहीं कुछ, भतीजा लिया, देखते हैं क्या होता है यार। तेल भी भरवाना था, अभी नहीं भरवा पाएंगे। चलो अंदर पूरा भीग गया, पैदल चला था इतना इनके कारण। सो टाटा हैमिल्टन। बाकी काफ़ी सारा चीज़ यहाँ से चेंजेस हो चुका है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या दिखाऊँ ना दिखाऊँ। जो मिला वही दिखा दिया आप लोग को, और कुछ नहीं भाई। हम यहाँ पे खाने के लिए आए हैं, बट लग नहीं रहा है कि मुझे यहाँ पे जगह मिलेगा खाने के लिए। मोटर ब्लॉगिंग भाई इधर ही से, बट रहता हूँ बाहर बेंगलोर से, मेरा घर इधर है बेंगलोर से। यार कुछ खाते यार खड़े खड़े, यार देखो यार इतना सारा पत्नी, शायद तो अल्लाह जल्द सोचे थे कि जल्दी हो जाएगा, बट लग नहीं रहा गया जल्दी होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ यार आज। शायद खाना मिल जाए बाद में, जल्दी हो गए थे तो बहुत अच्छा है, खड़े खड़े ले जाएंगे। अब यार सारी सामान ही ख़त्म हो गया है, चलो कोई बात नहीं। माँ मुने को लाता है चाउमीन वाला, चाउमीन ले लो, खड़ा होकर खा लेंगे। देखो यार यहाँ पे बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो इधर ही खड़ा होकर खा लेते हैं।